गुरु जी श्री बीवी चौहान जी के चरणों में सशत प्रणाम, आनंदी माँ को सशत प्रणाम, सुरेश जी को सशत प्रणाम और यहाँ आए सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार। गुड इवनिंग। आप सबका इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम जूम मीटिंग शुरू करते हैं। जिस किसी साधक का कोई पर्सन है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, किसी साधक का कोई पर्सन है या अपना अनुभव शेयर करना है तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी माता जी, अभी किसी का कोई सवाल नहीं है। हाँ जी, तो काफी साधकों ने सवाल करते हैं कि ये न्यू डाइट सिस्टम को लाइफस्टाइल नहीं बना पा रहे हैं। बार बार यही बात, बस हम 4 साल से कर रहे हैं, हम 5 साल से कर रहे हैं, बहुत फोन आती है, सब वही बातें बताते हैं कि हम 5 साल से एनडीएस कर रहे हैं, हम 4 साल से एनडीएस कर रहे हैं। हमारा जो है शिविर 2 जून 2023 से 11 जून 2023 तक हमारा परम पूज्य सदैव बीवी चौहान गुरु जी का चरण पड़ेगा। इधर एनडीएस का जनक सुरेश बेटा का जन्म दाता जीवन दाता हमारा भगवान उनका चरण पड़ेगा। तो काफी साधकों ने नाम रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोलते हैं, हम पूछते हैं आप एनडीएस कर रहे हैं पूरी, तो बोलते हैं हम 4 साल से कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं। हाँ पूछते हैं आप कैसे करते हैं बताइए। बस वही बातें, फिर वही चीज, शाम को पका वाला भोजन खाते हैं, कुक फूड खाते हैं, काफी शिविर अटेंड करे हैं, ऐसे बताते हैं। तो मेरे बोलने का मतलब है कि आप लोगों ने, मतलब अगर कुक फूड खा रहे हैं तो एनडीएस नहीं कर रहे हैं, न्यू डाइट सिस्टम नहीं कर रहे हैं। मेरे हमारा जो अनुभव है हम यही बताएंगे, क्योंकि न्यू डाइट सिस्टम में कभी भी मतलब वो बात नहीं है कि ये तो हमने भोगी जीवन जीने के लिए बस अपना रोग मुक्त भी नहीं होते हैं, पूरी निरोगी भी नहीं होते हैं, फिर भी खाना चालू कर देते हैं शाम के टाइम में। और काफी साधक बोलते हैं नहीं, हमको क्रेविंग होती है, हमको खाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, वही लेना पड़ता है, ये सब चीज हमारा बहाना है। प्रभु ने इतनी सुंदर अपनी मतलब सूरज भगवान का रोशनी से पक के पका पका मिल रहा है, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी हम उसको पकाते हैं, कुक करते हैं और उसको खाते हैं। मतलब हमारा बुद्धि लगाते हैं, प्रभु का कार्य में हम इंटरफियर करते हैं, तभी आज हम दुखी हैं, तभी हम रोगी हैं। और हम नहीं तो डिजीज इज इम्पॉसिबल, रोग असंभव है, लेकिन हमको पता लग गया कि इसी से हो रहा है, कुक फूड खाते हैं तभी रोग आता है। मुझे काफी फोन ऐसे भी आती है कि बोलते हैं हम ठीक हो गए थे, आराम आ गई थी, लेकिन फिर से थोड़ा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, हमारा थायराइड पूरा नहीं गया। हम पूछते हैं कैसे करते हैं, नहीं शाम को तो खाते हैं कुक फूड, तो कैसे आप ठीक होंगे, कैसे स्वस्थ होंगे? ये मतलब थोड़ा सा आप अपनी बुद्धि लगाइए। जब आपको इतनी अच्छा मार्ग मिल गया, तब तो सेवा सुमिरन का मार्ग, ये एक साधना मिल गई, ये इतना अनमोल विद्या, अचूक विद्या आपको मिल गया, इतनी सुंदर ज्ञान मिल गई, फिर भी हम जाग नहीं पा रहे हैं, फिर भी हमको लालसा आसक्ति वासना इतनी खाने में है, तो हम कैसे आगे जा पाएंगे? मनुष्य जीवन तो मिला है हमको प्रभु प्राप्ति के लिए, आत्म उन्नति के लिए, अपनी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, आत्म कल्याण के लिए, कितना व्यर्थ जीवन बिता दिए एक बार भी हम नहीं सोचते हैं। जिसको जितना साल हो गया अपना, मतलब थोड़ा बैठ के कभी भी थोड़ा अपने लिए समय दीजिए और सोचिए क्या व्यर्थ जीवन, कैसा। अगर आप मतलब मनुष्य जीवन का लक्ष्य को इम्पोर्टेंस नहीं दिए, जो प्रभु प्राप्ति, और वो सिर्फ ओनली एंड ओनली ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग में ही होगा, भोजन परिवर्तन से, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न ऐसा होगा मन,
तो आप अगर भोजन परिवर्तन नहीं करेंगे, पूरी तरह प्रभु ने जैसा दिया है उसको उसी रूप में ग्रहण नहीं करके, अपनी बुद्धि लगा के, टांग अड़ा के, हम कुक फूड अपनी इच्छा पूर्ति के लिए संस्कार बस खाएंगे, तो कभी भी मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, जो आपको जिसलिए मनुष्य जीवन मिला है, वो कभी भी प्राप्त नहीं होगा। ना आप आनंद में रह पाएंगे, ना आत्मसंतुष्टि होगी, और ना मतलब आपका आत्म कल्याण होगा। तो ऐसा जीवन जिए, ऐसा तो कितने जीवन व्यर्थ गवा दिए। तो थोड़ा जीवन, अपना जीवन को जीने की कला सीखिए, तो जीने की कला आपको इसी में आएगा, तब सेवा सुमिरन का मार्ग में, जब कुक फूड पूरी तरह त्याग करेंगे, तब जीने की मजा आएगी, मस्ती आएगी, आनंद आएगी। थोड़ा करके देखिए, आप 1 महीना करते हैं, कोई बोलता 3 महीना करे फिर खा लिए, तो क्या फायदा हुआ आपको? 3 महीना में जितना फायदा हुआ था उतने आनंद में थे वो याद करिए। और इतनी मतलब आपने अपनी जीभा पे हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और दूसरा पशु पंछी से भी हम गए गुजरे होंगे, उन्होंने प्रभु ने जैसा दिए ऐसे ही ले रहे हैं, मस्ती में जी रहे हैं, लेकिन इंसान होके हम, हमको प्रभु ने सबसे सर्वश्रेष्ठ जो नहीं दिए, अब फिर भी हम इसको अपना जीवन शैली नहीं बना पा रहे। बड़ी दुख लगती है, दिन में 15-20 फोन आती है, और वो फोन में सभी कोई ऐसे ही बोलते हैं कि हमने 4 साल से कर रहे हैं, हमने 3 साल, कुछ नहीं कर रहे हैं, जीरो जीरो पे काउंट करेंगे। अगर आप कुक फूड ले रहे हैं तो आपका काउंटिंग जीरो से चालू होगा, कुक फूड को तो छोड़ना पड़ेगा किसी भी तरह आपको, तभी जाको आपको आपका मतलब मजा आएगी, आनंद आएगी, आपका जीवन जीने की, वर्तमान में रहने की कला आ जाएगी आपको, और आप निश्चिंत जीवन जिएंगे। थोड़ा करके देखिए, और इसको तभी आपको आनंद मिलेगा। तो अभी पूछ ले बेटा, नहीं तो फिर मैं बोलूंगी, सूचना दूंगी, एक अगर है तो कोई देख लो। जी माता जी, हाँ जी, सभी साधन साधकों से मैं एक बात कहना चाहती हूँ, थोड़ा हाँ, मैं अपने जिम में बात करना चाह रहा ऐप, हूँ एक सेकंड एक सर। सेकंड रुकिए विजय जी। हाँ जी, ओके ओके थोड़ी ओके ऐप में प्रॉब्लम चल रही है, तो ये अपने आप ही टाइमिंग दिखाना शुरू कर देता है। अभी 5 या 7 मिनट में ये जूम मीटिंग एंड हो जाएगी, 2 से 3 मिनट लगेगी, आप रिज्वाइन हो जाना, थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं इसे इसलिए नहीं हटा रही हूँ कि वो दूसरा ऐप चलाना नहीं आएगा इतनी जल्दी, जूम पे आप कंफर्टेबल हैं, तो मेरा थोड़ा जीमेल आईडी में प्रॉब्लम है, सो ये प्रॉब्लम हो रही है जूम मीटिंग में, तो आप रिज्वाइन हो जाना, 2 से 3 मिनट लग सकते हैं, वेट करना इनका। हाँ जी, अभी किसका प्रश्न था अभी बोल सकते विजय हैं। विजय 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 विजय। हाँ, हाँ जी बोलिए विजय जी। आनंदी आनंदी माँ को मेरा सादर प्रणाम, सूर्य जी को सादर प्रणाम, आपको भी मेरा नमस्कार, और सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। तो मैं अभी तो ये अनुभव देना चाह रहा हूँ कि अभी मैं उस चीज से निकल गया हूँ जो मुझे कफ खांसी बुखार आ रहा था बहुत जबरदस्त तरीके से, तो उसमें से कफ भी आ रहा है, बड़ा नया अजीब तरह का कफ आया ये तो, और मेरी नाक से अजीब सा पता नहीं कैसा कैसा, कभी सोचा नहीं ऐसी खतरनाक तरीके की निकल रही थी चीजें मेरे शरीर से मतलब। और अब खाली वीकनेस जो है वो वीकनेस आ रही है, तो वो 2 दिन का निर्जला करवाया मुझे सूर्य जी ने, तो जो निर्जला करवाया उन्होंने उसके बाद अब थोड़ा सा मतलब वो अलग ही लिक्विड निकल रहा था, लाल रंग का अजीब सा, और जूस का भी, जूस कहेंगे उसको, जूस का भी जूस निकल रहा था वो शरीर से, तो वो निकल रहा था, उसके बाद थोड़ा कमजोरी भी दूर हो रही है। तो अब इसके बाद मेरा अगला स्टेप क्या करूँ मैं माता जी, आप बताएंगे मुझे, क्योंकि सुरेश बेटा आज तो मेरा सहार बताएंगे। था। और सुरेश सुरेश क्या बताएं, हम जी इनको मजा बताया आ गया हमने आपकी बात, जितना ज्यादा। आपकी बातों को मान करके मजा आ रहा है गुरु जी, अब सच में अब आ रहा है मजा। ये जो 2 दिन का आपने जबरदस्ती में रोते रोते मैंने बोला यार सुरेश जी तो कितने वो है निष्ठुर आदमी है, दया भी नहीं करते, कैसे बोलने के एक और निर्जला कर ले, मैं तो मर जाऊंगा फिर, लेकिन मैंने किया और मजा आया, क्योंकि शरीर तो मांग रहा है, बस वो ये कि अभी घर की परेशानी होती तो उसको निपटा कोई बात नहीं, वो हमारे ऊपर है, तो वो किया मैंने, तो जब 2 दिन का निर्जला किया तो तीसरे दिन आज सहार पे, तो आज थोड़ा रिलैक्स भी मिल रहा है, अच्छा भी लग रहा है गुरु जी। तो अब इसके बाद का अगला स्टेप बताइए गुरु जी आप। दो दिन रसार पर, उसके बाद फिर 3 दिन का निर्जला कीजिए आप। अरे बाप रे बाप, मारोगे गुरु जी आप, मेरे घर वाले भी मुझे उड़ा देंगे 1 दिन खबर पर।
अच्छा कोशिश करूंगा कि देखिए, पूरी श्रद्धा कोशिश करूंगा। विश्वास रख कर ही है। सुनिए विजय जी, आपने आपने बहुत घबरा जाते हैं, बार बार बीबी चौहान गुरु जी जी का सुनिए, बात सुनिए पहले मेरी। बोलिए श्रद्धा और बोलिए विश्वास से करिए, कूद जाइए, आर या पार, डू और डाई, डू और डाई करना है, मतलब जीना और मरना एक करना है, विश्वास के साथ करना है, और कोई चारा नहीं है, और इसमें करेंगे तो फायदा होगा। आपने प्रूफ, जितना प्रूफ मांगेंगे कि कौन पैरालिटिक में ठीक हुआ है उसका वीडियो दीजिए, कौन इसमें ठीक हुआ है इसका वीडियो दीजिए, वीडियो वीडियो वीडियो, इतना वीडियो की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार विश्वास करके, परम पूज्य सहदेव बीबी चौहान गुरु जी का बात को बार बार सुन के विश्वास करके कूद पड़िए। पीछे मत देखिए कि कूदे तो कहाँ गिरे, वो भी मत देखिए, आगे बढ़िए, और बिल्कुल पीछे बैक मत देखिए, कौन क्या बोल रहा है मत सुनिए, लोग घर वाले क्या बोल रहे हैं मत सुनिए, अपने आप मजबूत बनिए तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और इसमें अगर करेंगे तो मैं यही बात बोली, डू और डाई, मतलब यही करना पड़ेगा, करो, और इसमें करो करो, आर या पार, दोनों में से एक करना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ दीजिए, और खाना पीना करके जैसा थे पड़े थे बेड पे ऐसे पड़े रहिए। अभी आप खड़े होने लग गए, अपना थोड़ा आराम आने लग गया, फिर भी आपने कभी मुझे फोन कर रहे हैं, कभी विजय, कभी सुरेश बेटा को फोन कर रहे हैं, कभी और किसको फोन कर दिए, कभी और किसको फोन कर दिए, कभी किससे वीडियो मांग रहे हैं, सभी को मैं बोल रही हूँ, खाली आपको नहीं। इससे कुछ फायदा नहीं होगा, ये एक साधना है, जुट जाइए, एकदम प्रभु को पुकार के आर्त भाव से पुकारिए प्रभु को, लगन से करिए, मगन से करिए, तभी आपको सफलता मिलेगा। थोड़ा सा आप अपने आप इसमें विचार करिए मेरे बात को, और लग पड़िए, ठीक है। हाँ जी विजय जी, अपने आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी विजय जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है आप में। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं? बेटा, मैं थोड़ा एक सूचना देना चाहती हूँ कि जी मतलब एक शुभ समाचार, एक क्योंकि कट जाएगी फिर पता नहीं, लोग जुड़े हुए हैं तो एक शुभ समाचार है, एक कि हमारा एक शिविर होने जा रहा है, हमारा सुरेश बेटा का जन्मभूमि पे, जन्म स्थान पे, जो कि साधक लोगों ने करा रहे हैं उधर, 16 अप्रैल 2023, 16 अप्रैल 2023 में रोहतक में खड़ावर, अब धीरे धीरे जुड़ी रहे, साथ बीसी हुए जी, हैं लग रहा है। हाँ, तो मैं यही बातें बता रही थी। हाँ जी, माता जी शायद डिस्कनेक्ट हो गई है। हाँ जी, तब तक माता जी कनेक्ट होती हैं। किसी साधक का कोई प्रश्न है तो अपना हैंड रेज करें। हाँ जी कविता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो प्रणाम माता हेलो, जी, प्रणाम सुरेश भैया। प्रणाम दीदी, आज प्रणाम। आज अंगूर पे, ब्लैक अंगूर पे मेरे 18 दिन हो गए हैं आप लोग के आशीर्वाद से। बीच में बस एक दिन मुझे थोड़ी बेचैनी लगी थी, मैंने आपको फोन भी किया था,
फिर मैंने कुंजल क्रिया करी रात को, और फिर बहुत अच्छा लगा, बहुत गंदा, इतना चिकना कफ निकला ना, बहुत गंदा, फिर अभी अच्छा लग रहा है। तो मैं ये पूछ रही थी इसको अपन कितने दिन कंटिन्यू कर सकते हैं, अभी तो ठीक लग रहा है मुझे, अच्छा लग रहा है, तो करते रहिए करते रहिए रिलैक्स। इतना। हाँ करते रहिए जब तक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक मुझे हर्निया में काफी आराम हो रहा है, भी होगा, बिल्कुल ठीक भी हो जाएगा, आराम से ठीक भी हो जाएगा। हाँ बहुत जब भी बहुत थोड़ा सा लगे आशीर्वाद। वोमिटिंग, 2 दिन में 3 दिन में एक बार वोमिटिंग जरूर कर लेना, क्योंकि चेस्ट में जो गंदगी जमा होती है ना, वोमिटिंग से ही निकलेगी। जी, तो उस दिन आपके आशीर्वाद से फिर तो बहुत अच्छा, आप उस दिन होगा लोग कि जी बताएंगे जी आप कितने बजे एनिमा करते हैं, कितने बजे उठते हैं, कितने बार जूस लेते हैं, ये सब बताइए साधकों को। मैं सुबह उठती हूँ 4:30-5 बजे उठी जाती हूँ, और फिर उठ के एनिमा 2 बार लेती हूँ। और पहले तो मैं जूस थोड़ा लेट 11 के बाद ही लेती थी, 11:30, फिर आपने उस दिन कहा कि ब्लैक अंगूर पे हैं तो जब भूख लगे तब ले सकते हैं ब्लैक अंगूर का, तो जैसे मेरे को 9:30 बजे भी लगता है तो 1 कप जूस ले लेती हूँ, और जॉब करती हूँ फिर 12-1 बजे वहीं मैं अपना बनाती हूँ, फ्रेश जूस लेती हूँ। अब 3 बार लेती हूँ मैं, सुबह तो 1 आध कप लिया, फिर दोपहर में, और सीधे फिर अभी 6:30 बजे ले लेती हूँ, और 1 या 2 बार 8-10 अंगूर चबा लेती हूँ बस, और उसका वो फेंक दे रही हूँ। शुरू शुरू में ज्यादा पीती थी जूस, 3-4 गिलास, अब तो थोड़ा कम में मेरे को हो जाता है, और अब ज्यादा क्रेविंग नहीं लग रही, और अच्छा लग रहा है, ब्लैक अंगूर, सिर्फ ब्लैक अंगूर ले रही हूँ। अभी मुझे कई लोगों ने कहा कि आपका चेहरा साफ हो रहा है पहले से ज्यादा अच्छा, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि वो काफी अच्छा है, मतलब नवरात्र के पहले दिन से रह रही हूं मैं, अभी कंटिन्यू चल रहा है मेरा। और नमक लेते हैं कि नहीं ये भी बताइए। अच्छा हाँ नमक बीच में तो बिल्कुल नहीं ले रही थी, फिर अभी थोड़ा सा बीच लगने लगता उपकाई सा, तो हल्का सा काला नमक साथ में रख के एक आध मतलब चुटकी जैसा चाट लेती, या इतना सा आधी चम्मच से भी कम जूस में मिला के लिया था बस। और एनिमा में कुछ गंदगी निकल रही है? एनीमा में निकलता है बहुत ज्यादा नहीं, पर निकल रहा है पतला पतला ऐसा, पर मुझे ऐसा आप बता रहे थे ना कि बार बार जाना पड़ता है, वैसा नहीं जाना पड़ता अपने आप, पर हाँ सुबह शाम जाती हूँ तो निकलता है, लेट के ले रही हूँ एनीमा, पहला अच्छे आराम। पड़ता है, पहला कुछ दिन हाँ जाना पड़ता है, लंबा बड़ा। अभी तो हाँ 18 दिन हो गया, तो अभी हाँ नहीं हाँ इतनी होगी। हाँ अभी नहीं है, पर अच्छा लग, अभी ठीक लग रहा है, वही मैं सोच रही हूँ अभी तो मेरे से बन रहा है तो रह सकती हूँ ब्लैक अंगूर पे, तो वही मैं पूछ रही थी भैया से और आपसे कि कितने दिन रह सकते, तो भैया बोले अभी तो आप कर लो जितना बन रहा है, उसमें दिक्कत नहीं है, आराम से अच्छा लग। जितना दिन होता है कर लेना है। जी, क्योंकि अभी अंगूर अवेलेबल भी है तो अच्छे से हो पा रहा है। जी बहुत ही अच्छा, चलिए जी बहुत आगे बढ़िए। आपका फोन नंबर बता दीजिए और कहाँ से बोल रहे हैं वो भी बता दीजिए। मैं छिंदवाड़ा MP से बोल रही हूँ, और मेरा फोन नंबर है 9826474070, 9826474070, मेरा नाम है डॉक्टर कविता शर्मा, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में रहती हूँ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद बहुत जी बढ़िया। आगे जी नमस्कार जाइए, फिर अनुभव सुनाना। जी जी थैंक जी जी ओके। यू। जी माता जी, हाँ जी, मेरे बात कट गई थी क्योंकि जमीन हो गई। तो हमारा एक आवाज आ रही है मेरी बेटा? जी माता जी आ रही है। तो 16 अप्रैल 2023 को एक दिवसीय एनडीएस का शिविर है, न्यू डाइट सिस्टम की। वो हमारा सुरेश बेटा जो क्रोनिक डिजीज कैंसर से ठीक हुए हैं, 4 स्टेज कैंसर से, वो डॉक्टरों ने मना कर दिए थे अब नहीं रहेंगे, और उन्होंने मेडिकल साइंस को फेल करके गवर्नमेंट साइंस में रह के जो ठीक हुए, तो उन्हीं का जन्मभूमि में, जन्म स्थान में, उन्हीं का गांव में काफी साधकों ने बहुत इंटरेस्ट दे के बार बार फोन करे कि यहीं एक दिवसीय शिविर करना चाहते हैं बोल के। तो इसीलिए 16 अप्रैल को शिविर है और 9 बजे से लेके 2 बजे तक होगा, और जिन्होंने भी आना चाहते हैं वहाँ,
वो भी निशुल्क होगी, और जिन्होंने भी आना चाहते हैं वहां पहुंच सकते हैं। आसपास वाले जैसे हरियाणा का, रोहतक के आसपास का, गुड़गांव का, अभी काफी लोगों ने आने के लिए बोल भी चुके हैं मुझे फोन में। और भी कोई आना चाहते हैं तो उधर आ सकते हैं। लोकेशन ग्रुप में डाला गया है, और ऐसे भी पर्सनल भी लोकेशन दे दिया जाएगा। और यहाँ का लाभ उठाए, उसमें परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरुजी ने ऑनलाइन में बोलेंगे, और डॉक्टर हरचंदनी जी भी ऑनलाइन में बोलेंगे। तो जिन्होंने सभी का लाभ लेना चाहते हैं, गुरुजी का भी ब्लेसिंग लेना चाहते हैं ऑनलाइन में, तो आप वहां आ सकते हैं। और अभी नाम लिखा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जो भी नजदीक में है, क्योंकि ये यूट्यूब में अपलोड होगी जूम मीटिंग का। तो इसीलिए मैं बोल दी कि 16 अप्रैल 2023, 16 अप्रैल 2023 इतवार संडे है। ये बहुत अच्छा मतलब खबर है। और सुरेश बेटा का इच्छा भी थी, और उन्होंने इतनी जोर तो नहीं दिए थे, लेकिन साधक लोगों ने बहुत मतलब जोर दिए, तो उन्होंने करवा रहे हैं वहां पे। तो आप लोग भी यहाँ इसका लाभ ले सकते हैं, जो आना चाहते हैं उधर आ सकते हैं। हाँ जी, देवी पाटिल जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हेलो बोलिए। सुरेश भैया, प्रणाम। प्रणाम। माता जी प्रणाम। प्रणाम बेटा। भैया जी, किरण का एनडीए साधना चल रहा है, हमारी वाइफ का। आपसे बराबर बात भी हो रही है इसमें। भैया जी, अभी तो वो बताए थे ना आपको कि नली निकल गई है इनकी, तो जूस वगैरह तो भैया जी जा रहा था, जो इनका मानसिक संतुलन था वो भी इस समय सही है। एनीमा 2 बार सुबह, 2 बार शाम हो रहा है इस समय, और उठ नहीं पाती अपने से, ना बैठ पाती है, सहारा देकर बैठाना पड़ता है तब बैठती हैं। लेकिन भैया जी, आज से दिक्कत ये हो रहा है ज्यादा, कि जो मतलब गले से पानी और जूस दे देते थे हम, तो थोड़ा थोड़ा देते थे, कप में कप का 1/4 देते थे, सिप सिप करके थोड़ा सा पीते थे, जिससे चाय पिया जाता था, तो वो आराम से ले लेती थी। लेकिन आज से भैया जी, इनको गले में कुछ भी देते हैं ना, एक घूंट भी ले तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। तो मैंने बताया था आपको, पाइप लगवाना था आपने, जो फूड पाइप पहले लगा था इनको, डॉक्टर से लगवाना चाहिए था आपको फूड पाइप दोबारा से, है जी भैया जी, ना? डॉक्टर को बोलो तो फूड पाइप दोबारा से लगवाए, क्योंकि अभी दिक्कत है ना गले में, तो इसलिए जरूरी है, अभी इन्फेक्शन नहीं होगा उससे। जी भैया जी, तो कल हम लगवा के फिर आपको वीडियो कॉल में बताएंगे भैया जी लग गया है, और ये है, आप देखिए भैया जी। हेलो हेलो, कोई नहीं, ठीक है दीदी ने सही दिया, राज से लड़ाई लड़ रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा दिख रहे हैं, ठीक जी भैया है। जी, ठीक है नहीं? जी भैया जी, लड़ाई दीदी अब तो राज से भैया जी लड़ाई हम है। हाँ, लोग जीत गए हैं। जी भैया जी, अभी तो पहले से लड़ाई हम ठीक लोग दिख जीत रहे गए हैं, हैं, पहले बहुत से अभी तो ठीक बहुत दिख पहले रहे से हैं बहुत कंडीशन ठीक है माता ना अभी जी। तो इनकी। जी जी भैया जी, पहले से कंडीशन बहुत अच्छा है, बस केवल 2 दिक्कतें अभी प्रेजेंट टाइम पे है, जो मानसिक संतुलन का थोड़ा प्रॉब्लम कर गया था, वो आप बताए थे, आपसे बात हो रही थी, तो अभी इनको जो है भैया जी केवल अंगूर के जूस में, बाकी और कोई जूस नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ले ही ठीक है नहीं ठीक पा है। रही हैं। और जो आप बताए थे केसर, केसर भिगा देते हैं 1 घंटे गाय हल्का से गुनगुने पानी में, और एक नींबू और 1 चम्मच शहद वो मिला के इनको देते हैं भैया जी, और थोड़ा ठीक थोड़ा है ठीक करके, है। जैसे कल तो लगभग 200-250 ग्राम पूरे दिन में जूस पी ली थी, लेकिन आज भैया जी 100 ग्राम भी नहीं पी पाई हैं, क्योंकि गले में दर्द आज बहुत ज्यादा हो गया था। कोई नहीं, चलो पाइप लगवाइए ना, इन्फेक्शन हो जाएगा नहीं तो उसमें ना, अभी थोड़ा सा जो अच्छा, पाइप इन्फेक्शन हो निकाल दिया था जाएगा। उसको दोबारा लगवाइए। जी भैया जी, थोड़ा तो कल हम पॉजिटिव कोशिश करते हैं कल। वाइब्रेशन में रखिए, जी माता पॉजिटिव जी, वाइब्रेशन में रखिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन में रखिए। किसी कोई पाठ पाठ करते रहना है उनके पास में, कुछ भी एक वो जिसमें विश्वास होती है उनको, वो चीज होगा तो माता उसका भी जी ओरा काम करता है, जैसे वाइब्रेशन काम करती है।
जी माता जी वो करते हैं। माता जी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, ऐसा नहीं है। मतलब हम जितने हैं, हम जितना भगवान में विश्वास करते हैं, हमसे 90% ज्यादा ये करती हैं। जब सही और सलामत की पास कोई दिक्कत नहीं था में माता जी, तो सुबह और शाम कम से कम इनका 2 घंटे, हमारे घर के पास में मंदिर है, 2 घंटे इनका कम से कम मंदिर में जाता था सुबह शाम मिला के। पूरा मंदिर की सफाई करना, आरती करना, श्रृंगार करना, ये करती थी। वो तो बात सही है, कोई लेकिन नहीं, जिंदगी में कोई भी पाठ नहीं, करते बोलिए थे ना। क्या? जी, माता जी वो आरती वगैरह करती थी ना सुबह शाम, शाम में नहीं, आरती हनुमान करती थी। चालीसा पढ़ते थे कि ऐसे कुछ कुछ भी चीज पढ़ते आरती थे क्या? आरती कौन से करते हो? गणेश जी के और कान्हा जी का, कृष्ण भगवान ठीक है, के। आज तो बोल रही बिल्कुल ठीक है। जी आज बोल रही है भैया जी, हम तो बता रहे हैं, आज बोल रहे हैं। बोल रहे थे ना भैया कि जब आपसे बात हो रहे थे तब क्रिटिकल था, लेकिन कोई नहीं, आपने जो सीधी भरोसा लड़ाई है, दिलाया, जो जीतेंगे, जीत सहारा जाएंगे, दिया। लड़ाई कोई बात नहीं है, हिम्मत रखिए। नहीं, जी भैया जितना तो कंफर्म है हाँ उसमें तो सोचना है, जो साहस, जो सहारा आपने दिया, जो बात करके जो आपसे मिलता है वो खुशी और कहीं नहीं मिलती भैया जी। मेरा कुछ जब नहीं, भी वो आपसे आपके अपनी बात, मेहनत है। जी भैया जी, लेकिन जब आपसे बात करते हैं ना तो एक साहस और बढ़ जाता है, एक कदम और बढ़ जाता है। कोई नहीं, करते रहिए भाई, ऐसे ना जब भी दिक्कत हो कॉल कीजिए, जब भी जरूरत हो 24 और किसी भी टाइम कॉल कीजिए ना। जी भैया जी, जी भैया जी, कल हम कोशिश करेंगे भैया जी, कल इनका नली लगवा दें, फिर कल हाँ, मीटिंग में पाइप जुड़ के लगवाओ फिर आपको। पहले। जी 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 भैया जी, प्रणाम भैया जी, प्रणाम माता जी। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आज आज थोड़ा अंकित मलिक को बोलिए, उन्होंने कुछ अपनी अनुभव सुनाए, सबसे कम एज का है और कर रहा है, तो वो अपनी सुनाना चाहिए साधकों को। जी माता जी, हाँ जी, अंकित जी वो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे क्या चाहिए। हेलो, हाँ नमस्कार नमस्कार माता जी। बेटा, हाँ जी माता जी, आपका आपका नाम बताओ, एज बताओ, और आप कितने महीने से कर रहे हो, कैसा कर रहे मेरा हो नाम अंकित बताओ। मलिक है, मैं रोहतक हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरी एज अभी 3 जनवरी को 20 इयर्स हुई है। मेरे को 8 से 8.5 महीने हो गए संपूर्ण तरीके से एनडीएस फॉलो करते हुए। पका वाला खाते हो क्या, क्या करते हो बताओ सब कुछ। मैं सुबह 2 बार तो एनिमा, फिर 11 बजे डिटॉक्स जूस लेता हूँ, आंवला पालक वाला या कभी खीरा करेला टमाटर वाला। फिर उसके बाद 2 बजे कभी संतरे का जूस, फिर शाम को गाजर का जूस, थोड़ी बहुत कभी कभी ग्रीन सलाद या फ्रूट सलाद ले लेता हूँ शाम को सोते टाइम। मतलब आपने गवर्नमेंट फूड में ही है, कितने महीने से है बता दीजिए। 8 से 8.5 महीने हो गए माता जी। अभी कहाँ पे हो? अभी दिव्याशीष आश्रम में। हाँ देखो, आपको कोई रोग था क्या, कि क्या क्या कैसे आपको इंस्पिरेशन मिला, कैसे करे ये बताइए। आपको कोई, लोग बोलते हैं बीमारी होने से जाके करेंगे एनडीएस, नहीं तो नहीं करेंगे, तो आपका बोलने का क्या अर्थ है? आपको एनर्जेटिक लग रही है, नहीं लग रहा है क्या, ये सब बताइए।
एनर्जेटिक तो बहुत लग रहा है माता जी। वैसे बीमारी तो कोई नहीं है मेरे को। जैसे मैंने सुरेश जी को देखा तब उनको कैंसर हुआ था ना, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था जिस टाइम पे। काफी हाँ जी करीब से देखा मैंने उनको, जिंदगी और मौत से संघर्ष करते हुए मैंने देखा कैसे जहां डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे वहां उन्होंने एनडीएस को अपना कर 8 से 8.5 महीने में फोर्थ स्टेज कैंसर को बिल्कुल ठीक कर दिया था। जी उन्हीं को देख कर मेरे अंदर प्रेरणा जगी कि हाँ जरूर कोई एनडीएस में कुछ ना कुछ तो है। बस तभी से ही स्टार्ट कर दिया मैंने भी। बहुत अच्छा। तो आप यंग यंग मास को क्या संदेश देना चाहते हैं? यहाँ भी एक हमारा 18 साल की बच्चा बेटा है, दिव्याशीष आश्रम में, हैदराबाद से यही आए है माता जी हैं। अभी, यही है माता जी अभी वो। हाँ, तो वो भी अपनी नमस्ते अनुभव माता जी। बताएगा उनकी। हाँ नमस्ते बेटा, आप भी बताओ कितना दिन से यहाँ कर रहे हो, आपको कैसे लग रहा है, क्या क्या ले रहे हो बताओ, ताकि साधकों को थोड़ा शर्म आए कि इतना एज का होके उन्होंने कुक फूड खाते हैं, पूछते रहते हैं मुझे, तो आप थोड़ा बताइए। मेरा नाम जिगर पटेल है, मैं हैदराबाद से हूँ। मेरे पापा का नाम भावेश पटेल है जो मीटिंग में है होंगे। मैं पापा को डायबिटीज था, उनको बॉडी में फुल वीकनेस रहता था, और मम्मी को इचिंग प्रॉब्लम्स थी। मम्मी ने पापा ने 5 साल से एनडीएस कर रहे हैं। दोनों की हेल्थ अच्छी होती है, बाद में फॉलो नहीं करते क्यों बोले तो उनको कुक फूड खाने का मन हो जाता है मेरे वजह से। मेरे को पकाते मम्मी पका के देती है तो पापा बोलते एक बाइट मैं भी ले लेता हूँ, मम्मी बोलती है मनाए, मैंने मनाए मैं भी खा लूंगी बोल के। तो मैंने मम्मी पापा और मेरे खुद अरे के हेल्थ के लिए सोचा कि मैं भी कुक फूड छोड़ दूंगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल की माता जी की जो बात एक बार बोलते है सुन लेना चाहिए, कभी डाउट नहीं करना चाहिए। सुरेश सर भी जो बोलते करना चाहिए, डाउट एक बार भी नहीं करना, प्रश्न भी नहीं पूछना क्या होता क्या है। और एनर्जी फुल होती है, और 2 टाइम एनिमा लेता हूँ सुबह और रात में। और सबसे पहले 9-10 बजे ग्रीन जूस, और 1-2 बजे गाजर का नहीं तो मौसम्बी का जूस शाम में। और मैं यहाँ 5 दिन से हूँ, माता जी मेरे को अच्छा अच्छा प्रसाद बना के दे रही है, सलाद जूस। और वीडियो देखे होंगे माता जी ने यूट्यूब में डाल आई है वो सब का। इतना ही माता जी। और आपके मामा अभी हैं इधर, कितने दिन हो गया उनका, निर्जला बता दीजिए। अच्छा मेरी मम्मी का तीन आज तीसरा दिन है निर्जरा का, और 3 दिन पे और 2 दिन सलाद सलाद में थी, एनडीएस में थी नॉर्मल। तो आपका पापा का तो डायबिटीज भी ठीक हो गई ना? हाँ पापा का डायबिटीज भी ठीक हो गया पूरा। तो आपको बहुत अच्छा इससे लग रहा है। मोटिवेट होके हाँ फुल नॉर्मल कुक फूड पे खाने से ज्यादा एनर्जी फील होती है। और मेरे को पहले प्रॉब्लम था कि नींद नहीं अच्छी आती है, मीन्स थोड़ी भी आवाज आए तो मैं परेशान हो जा उठ जाता है। और जब से कुक फूड छोड़ा है तब से नींद तो डीप नींद आती है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ इश्यू कुछ भी नहीं है। हाँ, आप थोड़ा सा बैठ नहीं पाते थे, बार बार खड़े हो जाते थे, अब तो काफी टाइम बैठ भी हाँ पा रहे हो मेरे सामने। हाँ हाँ मैं मेरे पाँव में वो झुनझुनाहट हो जाती थी, ऐसा पाँव बैठ नहीं पाता था अच्छी तरह से। स्टार्टिंग में एक दिन तो खाली 10 मिनट में मैं खड़ा हो गया था बात करते करते। अब तो मैं 1-2 घंटा तो आराम से बैठ पाता हूँ। हाँ बहुत अच्छा। तो आपको अंकित जी को देख के भी बहुत प्रेरणा मिला कि वो कर पा रहे हैं भाई, तो हम भी हाँ। कर। मैं पहले सोचता था कि मेरे को क्या जरूरत है, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्या एनडीएस करना चाहिए। बाद में अंकित भैया को देख के ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसको बीमारी है उसको ही करना चाहिए, ये अपनी हेल्थ के लिए जो भगवान दिया है उसको सब बिगाड़ के क्यों खाना, जैसा अच्छा नेचरली खाना चाहिए।
आनंदनी माए मेरे को फर्स्ट दिन बोला था कि भोजन पकाए खाए, बोले तो सेम है जितना कि चिकन मटन खाए ऐसा ही है, उनको मार के खाओ ऐसा ही है वो भी, इसलिए नेचुरल फूड खाना चाहिए। लाइफ फूड खाना चाहिए, जीवंत फूड खाना चाहिए। अगर हम पका के खाएं तो डेड फूड खा रहे हैं, तो हमको डेड फूड नहीं लेना है, प्राणवान फूड लेना है, क्योंकि हम हमारे अंदर प्राण शक्ति है, जीवंत शक्ति है, तो हम भी प्राण शक्ति प्राण प्राणिक मतलब भोजन, जीवंत भोजन लेना चाहिए। तो हाँ माता जी, बहुत अच्छा बेटा, बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया बताए। और एक आंटी भी है, उसने कितना दिन का निर्जला कर रही है, हो गई कंप्लीट, वो भी बता दीजिए। हाँ कविता, आंटी का नाम कविता जी है, वो मुंबई से है, उनका 5 दिन हो गया निर्जला लेके, और फुल एनर्जेटिक है और वजन भी कम हो रहा है। और जितना मेरे को मालूम आंटी का प्रॉब्लम था कि एनर्जी और वेट कम करने का ही है, वो आंटी को फुल एनर्जी मिल रहा है, मैं देख रही ना सुबह ऊपर नीचे करते हैं घूमते हैं, वो इम्प्रूवमेंट है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बढ़िया बताया। साधकों को हाँ थोड़ा समझ आ गई होगी कि छोटे बच्चे भी कर पा रहे हैं, 18 साल का 20 साल का बच्चे भी कर पा रहे हैं, तो हम भी कर पाएंगे, तो थोड़ा मनोबल होना चाहिए बस। माता जी, एक चीज कभी भी डाउट मत करिए इसको, क्या होता है ये वो, जैसा करना है जैसा बोलते हैं माता जी और सुरेश सर ऐसा ही करिए, कभी डाउट न करो। चलो बहुत बढ़िया, ये चौहान गुरु जी का वीडियो बार बार सुनेंगे, डाउट नहीं करके तो सब कोई कर पाएंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद बेटा, थैंक यू। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ हेलो, जी बोलिए, अपना नाम बताइए। माते प्रणाम। प्रणाम। हाँ मैं मथुरा से हूँ। जी, मास्टर जवाहर सिंह मेरा नाम है, मैं शिक्षा परिषद में अध्यापक रहा हूँ, रिटायर हूँ, 72 इयर्स उम्र है मेरी। बेटा मेरा कैलिफोर्निया में इंजीनियर है, उन्हीं की प्रेरणा से मुझे आज ये आपसे मिलने का मौका मिला है। माते एक जिज्ञासा है मुझे जी प्रश्न करने की। माते जी बोलिए, मुझे, सुन रहे हैं, हाँ, पूछिए पूछिए पूछिए। जैसे आपकी जो संस्था है NDS, और आप जोड़ देते हैं कि जैसे फलों पे ये, हरी सब्जियों पे, इस पे ये प्रकृति में बहुत सारी चीजें हैं खाने पीने की। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं शराब हुक्का बीड़ी तंबाकू से बहुत दूर हूँ, और मैं भक्ति विचारधारा का आदमी हूँ। सुंदरकांड रामायण और कीर्तन में आनंद लिया मैंने आज तक, दूर दूर तक लोग बुलाते हैं मुझे। लेकिन आज जो है 2-3 साल से अभी कुछ परेशानी सी पैदा हुई है, अभी करीब 2-3 महीने से। तो इसमें जैसे खाने पीने की, इसी में वेजिटेरियन में एडजस्टमेंट, इस चीज को कम खाना है, इसको ज्यादा खाना है, इस तरह से नहीं हो सकता है कि स्वस्थ रहने के लिए। देखिए, ऐसा नहीं होता है। आपने इतनी पाठ करे, इतनी सुन सब पढ़े, अभी बताए, इतने इतने हमने करे, लेकिन वो पढ़ना अगर हमको जीवन में नहीं उतरा, अगर हम कोई चीज हर समय की एक शरीर में स्वस्थता, मन में स्वस्थता और आत्मा में स्थिति, ये तीन चीज होना चाहिए, तो हमारा शरीर अगर निरोगी नहीं है, पहला सुख है निरोगी काया, शरीर निरोगी होना चाहिए, उसके बाद मन भी आनंद में स्वस्थ में रहना चाहिए, तनाव ग्रस्त नहीं रहना चाहिए, हर समय एक परमानंद मस्ती, मतलब होश जाने न पाए, मस्ती खोने न पाए, ये चीज हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर ये चीज नहीं आ रही है और हम जितना भी पाठ कर रहे हैं, जितना भी वेजिटेरियन है, कुछ भी है, वो कुछ फायदा नहीं होती है। वेजिटेरियन मतलब आपने सोचते हैं
कुक फूड में मतलब हमने मांसाहार नहीं खा था, छोटा बेटा मांसाहार नहीं, वो नहीं खा रहे हैं, प्याज लहसुन नहीं खा रहे हैं, हम पूरी सिंपल भोजन कर रहे हैं, ये सब बातें रख रहे हैं। मेरे जो अनुभव में आया, मैं भी एक संत हूँ, साधु हूँ, मैं भी 22 साल उम्र से घर त्याग करके हमने भी पूरी तरह ऐसे ही रह रहे हैं रहे, लेकिन हमको वो अनुभव नहीं हुआ। हमने भी बहुत पाठ करे, सब कुछ सुने, लेकिन वो चीज की अनुभव में नहीं आ रही थी। जब तक हम भोजन परिवर्तन नहीं करे, जब तक हम पूरी तरह कुक फूड त्याग नहीं करे, तब तक वो चीज नहीं उतरी। हर समय एक अभाव का अनुभव हो रही थी, हर समय एक अपूर्णता का अनुभव हो रही थी, लेकिन जब हम इसमें पूरी तरह रहे, रसाहार करें, निर्जला करें, और पूरी तरह इसी में अपनी जीवन को बिताए, तो और आनंद आया, और अपने आप शरीर का सूक्ष्म सफाई हुई। यह खाली शरीर स्वस्थता बड़ी बात नहीं है, उसका सूक्ष्म सफाई होना चाहिए, मन की विकार की सफाई होना चाहिए। ये सब चीजें नहीं होगी अगर हम कुक फूड खाते रहेंगे, पका के वेजिटेरियन वेजिटेरियन बोलते रहेंगे और खाते रहेंगे, तो कभी भी वो चीज नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये मैं दावा के साथ बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक इसी आध्यात्मिक मार्ग में हूँ और मैं खुद इसका अनुभव करती हूँ, तो यही बात बता पाती हूँ। तो आप लोग आप भी एक बार इसको पूरी तरह छोड़ दीजिए। वेजिटेरियन का नाम जो बोल रहे हैं, मैं तो वो बोलूंगी तामसिक खाद्य है। अगर हम आग में चढ़ा दिए, वो सात्विक आहार नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्योंकि वो पक गया, सड़ गया, मुर्दा हो गया, मृत हो गया, उसका प्राण शक्ति चला गया, जीवन जीवनी शक्ति चली गई उसकी। हमने उसको अपने हाथों से मार दिए, आग में पका के जला दिए। अगर हमको हमारा जीवन को भी, हमारा जो जीवन है इसी को भी हम अगर कोई ऐसे ही जला मतलब चढ़ा दे आग में, हमारा लाइफ होते होते शरीर मर जाने, जब आत्मा निकल जाती है, शरीर मृत हो जाती है, उसको जलाते हैं तो पता नहीं लगता, लेकिन जीते जी अगर आपको कोई आग में चढ़ा देगा तो आपका क्या हाल होगा। ऐसे ही हमारा हम पालक को कर रहे हैं, ये जीते जी हरा भरा पत्ते को, इतनी सुंदर पत्ते को चढ़ा के मार देते हैं। मेरे को बहुत इसी में रोना आता है, ये सब चीजें सोचने से। हम अपने हाथों से मारते हैं, मतलब वो तो कंसाई मारता है, नॉनवेज जो लोग खाते हैं। मेरे को मेरे अंदर की एक ज्ञान प्रेरणा हुई कि काल भी मैं बता रही थी, यहाँ आज भी बता रही हूँ आप लोगों, कि हाथों कसाई मारता है और हम आके पका के खा लेते हैं। ये तो वही पाप रहा हम सोचते हैं, लेकिन हम हाथों में पाप कर रहे हैं। प्रभु का पका हुआ भोजन अपनी हाथों से पका पका हम उसको मार पाप करते हैं, तो हम मैं तो मैं पाप ही करूंगी, क्योंकि इसी से मतलब ये शर्म वाली बात कुछ भी नहीं है कि भगवान का हाथ का पकाए चीज को हम नष्ट कर रहे हैं। तो आप एक बार मेरे बोलने से छोड़ के देखिए, 3 4 महीने की जैसे 1 महीने भी छोड़ के देखिए, में आएगा आप खुद बताएंगी। फॉर्मेट फूड पे जैसा प्रभु दिए दीजिए, आप सफाई भी करिए, संजीवनी क्रिया एनिमा जरूर करिए, जो भोजन करे हैं उसका सफाई भी करिए, और उसके बाद आप ध्यान में बैठिए, भजन करिए, क्या आनंद आता है, क्या मस्ती आती है, आप खुद बताएंगे। थोड़ा आप करके देखिए इसको। मतलब मत आप कह रही हैं कि पका हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए, हाँ आप जी, कहती हैं कि पका हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए, दूध को हाँ बॉईल जी, करके नहीं पीना चाहिए, या दूध पीना ही बॉयल नहीं करके चाहिए? दूध पीना ही नहीं जी चाहिए, पीना दूध पीना ही नहीं चाहिए? हाँ जी, ही नहीं चाहिए। हाँ जी, और हमारा विनोद बेटा है तो विनोद बेटा को थोड़ा ये कर दीजिए, वो बता देंगे गीता जी का भी। हाँ जी, विनोद जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी हाँ जी माता जी, प्रणाम। हाँ जी प्रणाम बेटा, आप बताइए, गीता जी का आपने भी बताया, इनको जो पत्रम पुष्पम फलम त्रयम वो भी है, ये सब 2 3 बातें आपने
पढ़े थे, मतलब आप सुने भी हैं परम पूज्य गुरु जी का, तो आप थोड़ा बताइए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ए मतलब कि वो वाला ना, वो सात्विक आहार वाला। हाँ जी हाँ जी। वो मतलब गीता जी का वो 17वां अध्याय का जो है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि रजत तमस और क्या बोलते हैं इसको माता जी, सात्विक। हाँ हाँ इसमें प्रकार लिखा हुआ है कि जो मतलब कि जो आग में चढ़ा देते हैं वो भूंजा वाला, वो तमस बन जाता है, और जो तामसी लोगों के लिए ये सब भोजन है। जिसको सात्विक बनना है, जिसको मतलब कि जो लोग सात्विक बनना चाहते हैं उसको रसाहार पे ज्यादा जाना चाहिए। रस युक्त आहार जो जिसमें मतलब रस है वही लेना चाहिए। तो ये गीता जी में स्पष्ट लिखा है, अध्याय 17 में एकदम स्पष्ट किया है इसमें कि कौन से लोगों को कौन सा भोजन करना है। तो अपने को क्या बनना है इसके हिसाब से भोजन करना चाहिए। अपने को मतलब कि ये तमस बनना है तो ये तामसी जो ये पका हुआ वाला भोजन है वो खाना चाहिए। अपने को सात्विक बनना है तो ये पका वाला नहीं खाना चाहिए, और ये सब चीज मतलब कि नहीं, ये नहीं खानी चाहिए ऐसे। ठीक है माता जी। जी। भाई साहब हाँ नमस्कार। भाई जी साहब नमस्कार। भाई हाँ जी कहिए। साहब मैं मथुरा से हूँ। भगवान हाँ जी मैंने भगवान सुना आपको। श्री कृष्ण की जन्मभूमि से हूँ। भगवान हाँ श्री कृष्ण बचपन से ही हाँ मक्खन मक्खन खाते थे। हाँ मक्खन खाते थे, और हाँ उन्होंने गंगा पर्वत को अपने कन्नी उंगली पे उठा लिया था, और न जाने कितने राक्षसों को वध किया था, देश का, संसार का, समाज का उद्धार किया था। तो जी जो आप कह रहे हैं कि जैसे दूध नहीं पीना चाहिए, वो तो दूध पीते थे, जी घी भी हाँ खाते जी थे, मक्खन खाते थे। दूध पीते हुए तो कहीं नहीं देखा, मक्खन खाते हुए ऐसा फोटो देखा है, दूध दूध पीते हुए थोड़ा कहीं। नहीं, पीते हुए तो हमने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, भगवान कृष्ण को किसी ने नहीं देखा पीते हुए, लेकिन दूध पीते थे और सीधे मुंह लगाकर पीते थे, कानों में मुंह लगाकर पीते थे। तो फिर आज ही वो पीते गीता में हुए। कृष्ण जी ने झूठा लिखा है जी। गीता में कृष्ण जी ने फिर झूठ लिखा है, पत्रम फलम तोयम पुष्पम, जो हमें आप ग्रहण करेंगे गीता जी में कृष्ण जी ने लिखा है तो वो गलत लिखा है फिर उसमें। नहीं, मैं एक बात कहता हूँ, मैं अपनी अपनी तरफ से जो जैसे मतलब वो मक्खन भी खाया उन्होंने, दूध भी पिया, लेकिन तो ये तो हमने ऐसे बताया ना कि पिया उन्होंने खाया, जो उन्होंने लिखा है गीता किसने लिखी है, गीता में उसे क्या लिखा है ये तो बताइए ना हमें। खुद बताए हैं, अपनी बाणी बताए हैं उन्होंने, गीता गीता ज्ञान अर्जुन को खुद बोले हैं, दिए हैं, तो वो किताब लिखा गया है। और ये किम मतलब कुछ किंवदंती कथा है खाली, कि वैसे ये करते थे वो करते थे, छवि बना दिए, लेकिन कोई देखा नहीं है कि वो पिए हैं कि खाए हैं मक्खन बोल के। और दूसरी बात इसमें यह है कि जो आजकल दूध जो निकल रहा है वो इसके बछड़े के लिए तो कोई छोड़ता ही नहीं है। बछड़े को तो सिर्फ थोड़ा सा वो उसको सूंघा के, और बाद में अपने लिए वो गाय का हो या किसी का भी हो निकाल के हम ले लेते हैं, दूसरे का सीन के हम पीते हैं। तो एक कहाँ से इसमें अमृत कहाँ से आएगा। वो हमने तो नहीं देखा कि कृष्ण भगवान सभी में देखते थे कि गोपियों के घर घर पे जाके वो बछड़ा रहता था उसको छोड़ देते थे, जो एक गैया होती है वो बांध देते, तो गोपियों के घर पे जा जाके वो बछड़े को छोड़ देते थे। तो उसका क्या मतलब हुआ कि ये इसके बछड़े के लिए ये दूध है, बाकी जो बाद में बछड़ा बचता है और बाद में निकलता है तो वो शायद अमृत होगा, शायद ये
सिस्टम में तो, एनडीए सिस्टम में तो मना ही है कि एक बार हमने तो मतलब ये प्रयोग करके देखा है। हम 4 साल पहले बहुत दूध पीते थे, तो जब तक दूध पिया है पैरों का दर्द, सर दर्द सब रहता था। अब मैं 4 साल से एक भी बूंद भी दूध नहीं पीता हूँ, तो अब कोई दर्द नहीं है, कुछ भी है, इस शरीर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने तो ये अनुभव किया है, इसीलिए हम भी इसमें लगे हुए हैं। तो बाकी फिर हमारा हमें कोई, हमारी जीवन शैली क्या होनी चाहिए उसे संक्षेप में आप बताएं। हाँ वो तो माता जी ने आपको बता दी, जो बताई कि एक बार आप प्रयोग करके देखिए तभी पता चलता है। बात करने से कोई पता नहीं चलता, जब अपने शरीर पे प्रयोग नहीं करते तब तक जी इसका जी अनुभूति नहीं होती, क्योंकि जी ये प्रयोग का मामला है, अनुभव करने का ये जो चीज है, ये अनुभूति, जिसको जो लोग अनुभूति करते हैं उसी को ही पता चलता है कि इसमें क्या है ऐसे। नहीं, शरीर शरीर की शुद्धि के लिए जैसे एनिमा का प्रयोग बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। हाँ हाँ और इसके अलावा जैसे मान लो ये सब्जी है, ये फल है, ये यानी बिना बिना देखो पचे हुए। आपने करना है संजीवनी क्रिया, दिनचर्या कैसी रहती है मैं आपको बताऊं कि सुबह में उठ के मतलब जो नेचुरल टॉयलेट आता है तो वो टॉयलेट करके एनिमा लेना है, जी मतलब, और एनिमा लेके लंघन करना है, जितना आपसे रहा जाए, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, जितना आपने शरीर जो जितना काम देता है ये, मतलब बाद में हरी पत्तियों वाला जूस, आमले वाला, जो सफाई करने वाला डिटॉक्स जूस बोलते हैं इसको, वो लेना है, ग्रीन जूस, मतलब कि डिटॉक्स जूस इसको बोला जाता है, हरी पत्तियों, मतलब एनिमा से पहले अगर हमें पानी गर्म, हमारा वो क्रिया ये है कि सुबह चक्कर करके गर्म पानी पी करके लेटने जाते, इसके नहीं बाद नहीं फिर वो एनिमल। नहीं, इसमें गर्म पानी का ये जो ये सिस्टम आप करना चाहते हैं तो पूरा फॉलो कर कीजिए, वरना ना कीजिए। जी ये मतलब जिस जैसे माता जी सूरज भैया बताते हैं वैसा कीजिए, वरना इसको नहीं कीजिए। आप अपना जो भी है अपना अपने तरीके से करना है तो आप कीजिए, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस सिस्टम में आना चाहते हैं